हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो अभी हम रास्ते में, अभी हम गुड़गांव पहुंचे हैं, आप देख सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 हो रहे हैं और अभी हम गुड़गांव में ही हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई फीलिंग सो हैप्पी। आप पहली बार प्लेन में बैठोगे? यस yes. तो आपको सीट बेल्ट बांधनी आती है? नहीं आती, आपको आती है? यस yes, हम तो बैठते रहते हैं। तो आप एक ब्लॉग डाल देना, उसमें सीट बेल्ट बांधना सिखा देना। तो आप ऐसा करना, वीडियो बना के मेरे को भेज देना, मैं इसमें डाल दूंगा। ओके कि हाउ टू गेट सीट बेल्ट इन प्लेन। और एक अभी ट्रैफिक भी बहुत है, हम इस ट्रैफिक से बहुत परेशान है। Seconds later. देखो रास्ते में इतनी जल्दी भूख लग जाती है, केक रख के लाए रास्ते में खाने के लिए, तो खाइए केक। तो गाइस बहुत देर से हम जाम में फंसे पड़े हैं, बस ऐसे चूहों की तरह रेंगते जा रहे हैं। सबसे लेट ना हो जाए, बस फ्लाइट मिस ना हो, हम लेट ना हो जाए, फ्लाइट मिस ना हो जाए। नहीं होगा, आप लेट चिंता मत करिए, हम आपको लेट नहीं होने देंगे। हाँ, चाहे हमको गाड़ी में उड़ा के लेके जाए, हाँ गाड़ी में पंख लगाने पड़े, पर हम आपको लेट नहीं होने देंगे। तो 12 बज गए, देख सकते हो गाइस आप 12 बज चुके हैं। हमारी गाड़ी 0 स्पीड पे चल रही है। तो फाइनली हम जाम से निकल चुके हैं और जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट के लिए, वरना ही लेट ना हो जाए कहीं। खत्म कर दियो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी गई है यहाँ में से, जो बड़ी बड़ी गई है उनके बहुत वर्कशॉप चले हैं, बहुत आदमी काम कर रहे हैं। पहले एशिया में नंबर 1 पे हो फरीदाबाद इंडस्ट्री में। जहाँ होटल में हम रुके, हम पूरे दिन हुआ में विदेशी, और हमें भी होटल में विदेशी आ गई कर चुके। हम तो इस जाम से परेशान हो चुके हैं, हमें पहुंचना है 1 बजे एयरपोर्ट और अभी 12:40 हो चुके हैं, तो इस जाम का तो कुछ इलाज करना चाहिए। मैं लेट ना हो जाऊं, देश की सबसे बड़ी समस्या, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। बस बस ठीक है, एक बार ही क्या लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। वैसे ज्यादा दूर नहीं, एयरपोर्ट आ गई है। हाँ वैसे हम फिलहाल कहाँ पे कहाँ पे पूछ रहे हैं, सड़क पे तो है, ऐसे कहाँ पे है? एयरपोर्ट के और अगर भी बॉर्डर के बीच में है, तो हम अभी फिलहाल दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर के बीच में है। रजौरी तो अब तो खुल चुका है, थोड़ा जाम खुल चुका है, तो बीच बीच में आएगा। तो पहुंच चुके हम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का ये है, गांव है कि वही पार्क टर्मिनल 2 और 3। हमें टर्मिनल 3 पे जाना है, चलिए चलते हैं टर्मिनल 3। तो कीर्ति ऑल द बेस्ट फॉर योर मैचेस। कौन सी ये जा रही है ना? तो आप देख रहे होगे ये लाइन है वीआईपी लोगों की, और जिसमें हम चल रहे हैं आम आदमियों की है। बैंक को मैं अमरूद, अच्छा ये लाइन आम आदमियों की नहीं है, ये आम आदमी तो अमरूद रह गए, आम आदमी तो बन गया मुख्यमंत्री। तो गाइस फाइनली हम टर्मिनल 3 में एंटर कर चुके हैं और ये हैप्पी दिवाली का आप देख सकते हो बोर्ड लग चुके हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो सामान उतार लिया है हमने, तो चलिए छोड़ के आते हैं। अरे आ जाओ, अरे अरे कहाँ भागे जा रही है, रुक जा हमारा भी इंतजार कर।
ले तो ये इसकी पूरी टीम यहाँ पर अभी इकट्ठी हो रही है, अभी सारे बच्चे नहीं आए हैं। और कीर्ति को मैं बुला, कीर्ति कीर्ति तो आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो? मैं नर्वस ना हो रही, तो मेरी जात मत जुटवाओ ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। तो आप कुछ कहना चाहोगे इधर हमारे यूट्यूबर्स व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ठीक है, आप जाइए, आप अपनी फ्लाइट में मजे लीजिए, ऑल द बेस्ट। कीर्ति बाय, हम जा रहे हैं, फोन करती रही हो, मैं भूल मत जाइयो अगर बड़ी क्रिकेटर बन गई तो। ओके ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। तो देखिए अब उसको हमने छोड़ दिया है, तो अब चलिए चलते हैं घर, लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूँ घर, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं रास्ते की वीडियो नहीं बना पाया था। और आप मेरी बहन के साथ बेस्ट विशेस रखना, विश करना कि वो अच्छा खेले अपने मैचेस में। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।